ये विचित्र क्रिएचर माँ से आया है। डैरी इसमें बिजली दौड़ाकर इसे जगाने की कोशिश करता है तो ये तेजी से डैरी के हाथ पे चिपक जाता है। डैरी घबरा जाता है और अपने हाथ को बाहर की ओर खींचता है, लेकिन ये क्रिएचर टेबल पे शिकंजा बना लेता है। वो डैरी के हाथ को तोड़ डालना चाहता है। डैरी को बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी कि ये क्रिएचर इतना पावरफुल भी हो सकता है। ये उसको असहनीय पीड़ा दे रहा है। अब डैरी किसी तरह अपने हाथ को बाहर खींचता है, पर अब उसके हाथ की सारी हड्डियां चकनाचूर हो चुकी है। इस दर्द के चलते डैरी बेहोश हो जाता है। अब वो क्रिएचर एक टूल की मदद से ग्लव को काट कर बाहर निकल आता है। अब वो ग्लव बॉक्स से बाहर आ चुका है। स्पेसशिप में मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट सरप्राइज हैं, क्योंकि उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि माँ से आया ये क्रिएचर इतना स्मार्ट भी हो सकता है। अब ये दूसरे ग्लव बॉक्स में प्रवेश करता है, जिसके अंदर एक चूहा मौजूद है। चूहा इसे काटता है, बदले में ये इसे पलक झपकते ही मार के खा जाता है। ये सब देख एडम तेजी से लैब का दरवाजा खोलता है और डैरी को जल्दी से बाहर निकालने लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश क्रिएचर उछल के एडम के पैर को जकड़ लेता है। डैरी को बाहर निकालने में तो वो सफल हो जाता है, लेकिन उसके साथी को एडम को अंदर ही रोक देना पड़ता है। अब एडम क्रिएचर को हटाने के लिए उस पे ऑक्सीजन जनरेटर से ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे वो क्रिएचर उछल के दूसरी ओर चला जाता है। अब एडम अग्निवर्षक से अटैक करता है, लेकिन ये क्रिएचर इतना फुर्तीला है कि हर बार बच के निकल जाता है।